हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वी हैव सम इंटरेस्टिंग क्रिस्पैन को सीरियस न्यूज़। सो गाइस, आज हमने चैलेंज का डे 50 एंड अपनी न्यूज़ पे आते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि गॉड लाइक डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, एंड इसका रीज़न क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि हमको पता है कि जोनाथन बिजी थे, उनको रेड बुल के इवेंट के लिए जाना था, जिसकी वजह से स्काई स्पोर्ट्स को ये इन्फॉर्म किया गया कि जी गॉड खेल रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट में। बट ऐसा नहीं था, उनकी जगह पे पोकी 27 करके कोई बंदा था जो खेल रहा था, लेकिन ये बताया कि वो जी गॉड के आईडी है। बट ऐसा नहीं था, वो बंदा कोई और था, बिकॉज जी गॉड खुद इवेंट के थे एंड इसका स्पोर्ट्स ने इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा। एंड उनको जब पता चला तो गॉड लाइक ने उनको ये बताया कि वो गिल खेल रहे थे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज गिल एक नॉन रजिस्टर्ड प्लेयर थे स्काई स्पोर्ट्स के अंदर, एंड इसको रिंगिंग कहते हैं, जो कि उनके रूल्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, एंड इस वजह से गॉड लाइक को डिस्क्वालीफाई कर दिया। एंड जब गॉड लाइक के ऑफिशियल पेज ने इस पे स्टोरीज डाली एंड रिएक्ट करा, उन्होंने ये बोला कि गॉड लाइक के मेंबर्स अलग अलग टूर्नामेंट एंड इवेंट्स में इन्वॉल्व थे, एंड इस वजह से वो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। एंड इसको हैंडल टीम मेंबर एंड टीम मैनेजर एंड एनालिस्ट हैंडल कर रहे थे इस सिचुएशन को, एंड सारे कॉल्स उनके ही थे। एंड गॉड लाइक ने सभी स्पॉन्सरशिप्स एंड फैंस से माफ़ी मांगी, एंड टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजर से भी माफ़ी मांगी, एंड सबको सॉरी बोला एंड अपनी गलती को एक्सेप्ट करा। एंड जो भी टीम मैनेजर था, एनालिस्ट था, उनको निकाल दिया गया, अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए गए जो भी लेने चाहिए, एंड इसके ऊपर डायरेक्ट करते हुए गॉड एमएन ने भी कुछ ये बोला। फ्रंट एंड हैदराबाद में मैनेजमेंट टीम पूरा टोरेड बुल इवेंट के लिए हैदराबाद गई थी। मैं पुणे में हूँ, कुछ एक रीजन है, अभी बताऊंगा आपको लगेगा सिंपथी गेन करने के लिए बोल रहा हूं। मतलब मेरी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, थोड़ा सा उनका सीरियस था, तो मैं पिछले 2-3 दिन से इधर हूं, तो मैं बूट कैंप पे नहीं, अभी हॉस्पिटल से लाइव आने वाला था। फिर तुम लोगों को लगेगा वही लगता है, फिर सिंपथी लेने आया, ये लेने आया, वो लेने आया, वो इसकी वजह से मैं घर आके लाइव कर रहा हूं। मैं अभी मैंने हॉस्पिटल में बैठा था, मेरा स्काई स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट के साथ बात हुआ, शिवा सर के साथ बात हुआ, उनको पूरी सिचुएशन समझा दी। आज जो भी हुआ ना मेरे को पता है, कल जो भी हुआ कौन, कुछ भी आइडिया नहीं है किसी भी चीज के बारे में। मतलब हमारे साइड से कम्युनिकेशन नहीं सकता कि बॉडी खेल रहा है, सेम आईडी से, क्योंकि ऐसा नहीं था, वो रॉन्ग है, मैं टोटल बोल रहा हूं, रॉन्ग है, वो नहीं जाना चाहिए। कम्युनिकेशन हमारे साइड से रॉन्ग था, देखो उन्होंने एकदम बढ़िया डिसीजन लिया, उन्होंने कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लिया, उनके साइड से फेयर डिसीजन लिया, और ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी और गॉड लाइक हुआ, कितनी बड़ी और हो, शिवा सर को भी लग रहा था कि इस चीज में मेरे को बताया या फ्रंट को चीजें बताया, लिटरली फ्रंट को कुछ भी नॉलेज नहीं था, वो तो हैदराबाद इवेंट में था, हमने हमारा डिसीजन ले लिया, जो भी रिस्पॉन्सिबल था इस चीज के लिए, अभी नहीं है बट गलती है उनकी, नो डाउट। मुझे सॉरी गाइस सबको, ये जो भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम कभी सपोर्ट नहीं करते थे, वो चीज हम आज कुछ फेस कर रहे हैं, पूरा तो लग रहा है, सॉरी गाइस जिसके भी इमोशंस हर्ट हुए टूर्नामेंट। अरे गाइस, जो भी था मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही था, एंड यही होना चाहिए, सब हर टीम के साथ होना चाहिए, तभी तो ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश होगी। दैन यज अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्डी भाई की। तो रिसेंटली गोल्डी भाई ने मेजी के ऊपर रिएक्ट किया था, एंड मेजी ने उसका रिप्लाई देते हुए कुछ, गोल्डी भाई ने बोला मेजी दल्ला है पर अपना है, नहीं, ये तो नहीं बोला, ये तो बोलिच नहीं सकते वो, आई नो। हाँ, गोल्डी भाई ने ये नहीं बोला था, गोल्डी भाई ने कुछ ये बोला था कि उनके क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी गलतियाँ बताना, जब तक वो हमें गलतियाँ नहीं बताएंगे तब तक हम टीम को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उनका रोल बहुत ही क्रूशियल है, एंड बस वो थोड़ा सा लिमिट में करें एंड थोड़ा अपनी साइड में होकर करें तो बहुत बेटर हो जाएगा, ये कहना चाहते थे गोल्डी भाई। देन गाइस अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू की। तो न्यू ने लाइव एक हेटर को पकड़ा, एंड कैसे पकड़ा वो खुद देखो। अभी ये कैसे लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका, देखो सुनो लोगों को, मैंने देखो फैन बन के हेटर है, जो फैन बनने का एक्टिंग है, शुड हैव सपोर्टेड सोल इंस्टेड ऑफ बॉडी टीएसएम वो टाइम पे, ठीक है, नाउ फीलिंग बैड बट कम बैक स्ट्रॉन्गर, देख रहा है पकड़ा गया साले, अब खुद भी पकड़े मारूंगा ना जिधर मिल गया। देन गाइस, जैसे कि हमें पता है 2 साल से हमें गॉड लाइक का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने गॉड लाइक को देखना छोड़ दिया, एंड उनको हिट करने, हिट नहीं मतलब इन द सेंस नाराज है या फिर थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है, एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए गॉड लाइक न्यू ने सारी चीज़ें बताई कि क्या सीन है, क्या होगा, एंड फाइनल रिप्लाई दिए कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग लोगों से गाली करें, हमको अच्छा लगता है गाली खाने, तुमको चाहिए कि हमारे फैंस हेटर्स बन जाए या हमारे फैंस चले जाए, तुमको लगता है भाई, जब इंसान हर एक चीज़ ट्राई करने का, जब कुछ सही होते नहीं तब इंसान का माथा ये हो जाता है गर्म कि अब करे तो करे क्या, कि अब क्या कर सकता है ऐसा कि जिससे मतलब ठीक हो जाए सब, जिस दिन कम बैक आएगा ना उस दिन सब वापस आएंगे दौड़ के, और उस दिन हमको वो लोग नीचे करा ना हो तरंग डोमिनेट, और लाइक मैंने के बाद भी एक साल डोमिनेट करा, अब 2 साल से फिर हग रहे हैं, फिर और एक एक टाइम आएगा जब और 2-3 साल डोमिनेट करेंगे न्यू लाइनअप के साथ, न्यू प्लेयर्स के साथ, तब यही लोग वापस आएंगे, और ये अपने जो फैंस अभी हमारे लिए लॉयल है ना, कल को ये छाती ठोक के खड़े रहेंगे कि अपन वो टाइम भी देखे गॉड लाइक का जब डोमिनेट करती थी, और वो टाइम भी देखे जब सब उनको छोड़ के थे, सब गाली थे, तब भी हम उनके साथ थे, और वापस ये टाइम है जब फिर से पार्ट। कोई नहीं, होगा कमबैक, तो यार सबका होता ही है, मेहनत करेंगे तो जरूर आएगा, एंड वेट करते हैं जब आएगा तब
सब तो साथ ही हैं। देन गाइस अपनी नेक्स्ट न्यूज है रेगल टॉस की एंड स्नैक्स जोकर एंड जैसे कि आपको पता है कि वो लोग जीत चुके हैं एंड उन्होंने कुछ रिएक्शन दिए प्यारे प्यारे देख लो। रेसर आज तो स्पेसशिप भी उड़ा ली। हाँ। आपको कैसा लग रहा है रनर? भाग मिल्खा भाग, ये देखिए ये बैठा हुआ इधर, भाग मिल्खा भाग, ये आया ये आया मार रहा है। हाँ आओ 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 आए 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 धीरज भाई आए, खाना खाने जा रहे पब्लिक हैदराबाद में, बहुत भूख लग रही, देखते क्या मिलता है इधर। Real family, we made it first. Hashtag #1 है अपन गेमिंग कैटेगरी में Red Bull रेस में। जितने भी लोग आए हैदराबाद में शुक्रिया सबका, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे एंड रॉकेट को ऊपर। कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। देन गाइस अपनी नेक्स्ट न्यूज है फिक्सस की। तो रिसेंटली फिक्सस ने कुछ चीजों पे रिएक्ट किया, बिकॉज बहुत लोग थे जो ये स्पैम कर रहे थे कि हाइड्रा को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया गया या फिर क्या सीन था, गॉड लाइक क्यों, बिकॉज कुछ बहुत लोगों को रिंगिंग क्या होती है ये नहीं पता, एंड इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए फिक्सर्स ने सारी चीज़ें बताई कि हाइड्रा के ये प्लेयर्स का ऐसा हो गया, केमिन के भी कुछ प्लेयर्स का ये इनका रजिस्ट्रेशन था नहीं था, उसके ऊपर मैं पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। मैंने स्काई के मैनेजमेंट से बात करी और जितना मुझे बोले सुनने में आया कि ये सारी टीमों ने अपना चेंजेस कर रखे थे सेमीफाइनल से पहले, तो अकॉर्डिंग टू स्काईज रूल बुक जो वो फॉलो करते हैं बिफोर सेमीज, अगर आप रोस्टर में चेंजेस करना चाहते हो, उन्होंने अलाउ किया, लीग ऑफ से आप प्रॉपर परमिशन लिए और उन्होंने किया। रिंगिंग ये होता है कि अगर आप एक तो आपके डिवाइस से आपके नाम से कोई और अगर खेल रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिंगिंग, तो ये अगेंस्ट द रूल्स था एंड आफ्टर मैथ यही है कि गॉड लाइक को डिस्क्वालीफाई किया गया। वेल गाइस मुझे भी इनकी वीडियो देख के समझ में आया कि हाँ कि रिंगिंग क्या होती है, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ एंड मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने भी कहा डाल दो। गाइस अपनी नेक्स्ट तो न्यूज़ है नहीं एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू सून, राधे राधे।